ये मुझे नहीं चाहिए। ये आपका बिल है सर, मैं इसे पे नहीं करूंगा। एक्सक्यूज मी, मैं कुछ समझा नहीं। देखो मैं पे करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। फिर आप इतने महंगे रेस्टोरेंट में क्यों आए सर? मैं अपने पास्ट को याद करना चाहता था। एक समय था मैं बहुत अमीर आदमी था, लेकिन अब सब बर्बाद हो गया। अगर तुम चाहो तो पोछा लगवा सकते हो, बर्तन साफ करवा सकते हो। उन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, बिल बहुत ज्यादा है। तो पुलिस को बुलवा लो। मैं ये नहीं कर सकता सर, अगर पुलिस बुलाऊंगा या तो वो आपको अरेस्ट कर लेंगी या फिर जेल में डाल देंगी। मैं एक काम करता हूँ। आपका बिल मैं पे कर देता हूँ। ठीक है, जब आपके पास पैसे हों तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर देना। आप ये उधार समझ के रख। और अगर कॉल नहीं करूं तो सर फिर आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं। थैंक यू। वाह, ब्रेव बॉय। मेरा नाम है सिकाको, मिस्टर सिकाको। सिकाको सर? हाँ सिकाको। सर आपके साथ एक फोटो ले सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं। थैंक यू सर। सर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं आपके साथ बैठ कर लंच कर रहा हूँ। सर प्लीज। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, आज रात का शो मिस मत करना मेरे साथ। ये माफ करना सर। ये क्या है सर? ये तो शुरुआत है, ये तुम्हारी टिप है, तुम्हारा दिल सोने का है, बाकी सब कुछ मैं तुम्हें बाद में सिखा दूंगा। मेरे साथ काम करोगे? यस सर। मैं तुम्हें बाहर मिलता हूं, तुम्हारे पास 5 मिनट हैं, बाकी बातें ऑफिस में बैठ के करेंगे। पांच मिनट। ओके। देर से टेबल नंबर 7 पर क्या कर रहे थे? क्या आप जानते हो उस टेबल पर कौन बैठा था? नहीं। सिकाको, आपको पता उन्होंने मुझे कितनी बड़ी टिप दी है? 15,000। 15,000? हाँ जी, और एक जॉब भी ऑफर की है। ओके, अच्छी बात है। अभी हम तुम्हारी शिफ्ट खत्म होने के बाद इस बारे में बात करेंगे। कल मेरी छुट्टी है शाम 9 बजे तक। कल हम शाम को बियर बार में बैठेंगे और बियर पीते हुए बात करेंगे। अभी हम सिर्फ काम की बात करेंगे। ठीक है, लेकिन उन्होंने मुझे सिर्फ 5 मिनट का टाइम दिया है। तुम मेरी बात सुनो, आज हाउस फुल है और शाम को 1 घंटे का बैंकेट भी है, हमें तुम्हारी जरूरत है। मैं काम छोड़ रहा हूँ। क्या जी? अभी ओके, रिलैक्स, ये तुम्हारी मर्जी है। मेरे पास कोई और दूसरी चॉइस भी तो नहीं है ना। समझो, हमें तुम्हारी जरूरत है। ठीक है, मैं आज रात काम करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तुम टेबल नंबर 3 के ऑर्डर ले लो। ओके। मुझे तो लगा तुम बाहर आओगे ही नहीं, तो चलें। मैं चलना चाहूंगा सर, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है। क्या आप
मेरी शिफ्ट खत्म होने तक इंतजार करोगे? मुझे वेट करने के लिए बोल रहे हो तुम? मेरी शिफ्ट खत्म होने तक, एक्चुअली आज लोग ज्यादा आए हैं तो मुझे अपने दोस्त मैनेजर की मदद करनी है बस। तुम चाहते हो कि मैं यहाँ रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा होकर तुम्हारा इंतजार करूं तुम्हारी शिफ्ट खत्म होने तक? सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन बस मेरी शिफ्ट खत्म होने तक। आप चाहो तो मैं कल आपके ऑफिस आ सकता हूँ। एक मिनट, क्या तुम्हें अपना ये वेटर का काम इतना पसंद है कि तुम एक सुंदर और सुनहरा मौका गंवा रहे हो? नहीं सर। सुनो बच्चे, तुम्हें अंदाजा है मैं किस तरीके के मौके और पैसे की बात कर रहा हूँ? जी जी। मैंने अपना पहला कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था सिर्फ 70 करोड़ का, और जानते हो मेरे कॉन्ट्रैक्ट यानी कि मेरे डील का दिन और मेरे फादर का फनरेल एक ही दिन था। तुम्हें क्या लगता है मैं कहाँ गया होऊंगा? जिंदगी बहुत मुश्किल होती है मेरे दोस्त, बहुत मुश्किल। जी मैं समझ गया, समझ गया सर। उम्मीद करता हूँ तू समझ गया होगा। तुम कहीं जा रहे हो? अरे सर आपने तो मुझे डरा ही दिया। तुम हमें बिना बताए जा रहे थे, पर तुमने तो आज हमारी मदद करने का वादा किया था। देखो हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है, तुम ये मीटिंग कल या परसों पर नहीं टाल सकते? नहीं मैं नहीं रुक सकता, और मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं तंग आ गया उस जॉब से, इस जिंदगी से। आज के बाद मैं तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देखूंगा, और जानते हो मैंने सर तुम्हारा इस्तेमाल किया है, यूज़ किया है, और क्या है ये जिंदगी है, ये सच नहीं है। प्लीज़ इन सब चीज़ों के बारे में मुझे मत बोलना, मैं नहीं सुनना चाहता हूँ ये सब नसीहत, मैं जा रहा हूँ। दफा हो जाओ और जिंदगी में मुझे अपना चेहरा दोबारा मत दिखाना। बॉस 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 मैं बहुत सारा पैसा कमाने के लिए तैयार हूं। मैं उस दिन वहां पर था। कहां पर सर? अपने डैड के फनरेल पर, और मुझे एक पल भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे वहां नहीं होना चाहिए। लेकिन आप तो कह रहे थे कि वो आपकी पहली डील थी। मुझे उन्होंने अगले दिन बुला लिया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, और तब मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं वो नहीं करता तो मैं भी बहुत कुछ खो देता, शायद ये कॉन्ट्रैक्ट भी। मेरे डैड दिल के बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने मुझे दिल ही तो दिया, ये सब उनके दिल की बदौलत है जो मैंने सब कुछ पा लिया। अगर तुम पैसे के लिए अपनी जॉब छोड़ते हो, अपने दोस्तों को छोड़ते हो, तो समझ लेना तुम अपने आप को खो देते हो। सर 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 शीशा खोलिए सर सर, 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 सर।